गर्ल्स, सबका स्वागत है कॉमर्स ही पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएमएफ। तो आईएमएफ क्या होता है और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा लेक्चर है वो ईको फाइव माफ़ी चाहूँगा वो ईको नाइन से रिलेटेड है, मनी बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। जो भी इग्नू से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, बीकॉम के स्टूडेंट के लिए ईको नाइन मनी बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशन का ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईएमएफ। तो आईएमएफ क्या होता है और आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दिस इज़ आर टॉपिक विच ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, द आईएमएफ वाज सेट अप इन 1946 एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमिक नॉन कम्युनिस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर इट्स मेंबर्स। सम कम्युनिस्ट कंट्रीज ऑल्सो ज्वाइंड इट लेटर। देखो, जो बात बोली गई वो ये है कि 1946 के आसपास, ठीक है ना, 1946 में आईएमएफ जो है इसका निर्माण किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे समूहों को, बहुत सारे कंट्रीज़ का एक झुंड है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं आपस में मिल करके कुछ नियम बनाते हैं, कुछ कानून बनाते हैं, जिसके तहत वो लोग जो है अपने ऑपरेशंस को चलाते हैं। ठीक है, तो उन सब ने मिल करके आईएमएफ का निर्माण किया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का निर्माण किया। इसके बैक में अगर आप जाओगे, इसकी हिस्ट्री चेक करोगे तो इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, आपको बहुत कुछ पता इसमें जानने को मिलेगा। पर जो मैं बेसिक बातें इसमें बताना चाह रहा हूँ आईएमएफ के बारे में, कि देखो, आईएमएफ जो है इसका निर्माण किया गया था इसलिए बिकॉज पूरे वर्ल्ड में जो है गोल्ड रेट सिस्टम जो है वो आपका कोलैप्स कर गया था। ठीक है, गोल्ड रेट क्या होता है कि गोल्ड में क्या होता है कि जो गोल्ड का पैसा होता है, जो गोल्ड की जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग जो है पैसे रिलीज किए जाते हैं मार्केट में, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड किया जाता है। लेकिन वो जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया था और वर्ल्ड वॉर होने के कारण भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसों की क्षति हुई थी। राइट, तो सारे देशों ने सोचा कि चलो मिल करके एक ऐसा बैंक बनाते हैं, एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो कि हमें ज़रूरत के टाइम पे हमें पैसे वो लोन देगा एक तरीके से, है ना, और एक तरीके से जो हमारी जो दिक्कतें हैं उसको दूर करेगा। ठीक है, तो आईएमएफ के सेट होने के पीछे जो है रीज़न यही सब, यही सारी चीज़ें थी, वर्ल्ड वॉर का होना, उसके बाद आपका जो है गोल्ड रेट सिस्टम का कोलैप्स करना, है ना। ओके, तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि इसको जो है 1946 में तैयार किया गया बाय इट्स मेंबर्स। अब देखो, उस टाइम पे कम्युनिस्ट मेंबर इसमें जो नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना, कम्युनिस्ट का मतलब होता है सोशलिस्ट कंट्रीज़। ठीक है, अब सोशलिस्ट कंट्रीज़ में देखो यहाँ पे रशिया हो गया, क्यूबा हो गया, चाइना हो गया, है ना, वियतनाम हो गया, ये सब जो कंट्रीज़ थी ये इन सबको जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज़ कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे सीपीएम का राज हुआ करता था। सीपीएम के बारे में आपने सुना होगा। और जो बाकी जो नेशंस थे वहाँ पे कैपिटलिस्ट नेचर के जो है गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो उन लोगों ने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया था बट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ ने उनको ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, तो लेटर, लेकिन बाद में जा करके 1946 के बाद जा करके कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के आईएमएफ को जो है फिर से ज्वाइन कर लिया। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट साइंड बाय द मेंबर कंट्रीज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएमएफ आर एज फॉलोज। ठीक है, तो जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जो है साइन किया जाता है बाई इट्स मेंबर कंट्रीज़, यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज़ होते हैं वो आपस में साइन करते हैं कि हम जो है आईएमएफ का पार्ट बनना चाहते हैं। राइट, तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसमें क्या बताया गया है कि आईएमएफ का जो है क्या ऑब्जेक्टिव है। राइट, ये बात हम इसमें जानेंगे। तो यहाँ पे टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सारे कंट्रीज़ मिल करके अपने जीडीपी का, अपने जो कंट्री का टोटल वेल्थ है उसके हिसाब से वो जो है पैसे जो है अपने आईएमएफ में जमा करवाएंगे और फिर जिस कंट्री को जितनी ज़रूरत होगी वो जो है वहाँ से फिर निकाल पाएगा, है ना। अब देखो, जो जितना जमा करवाएगा वो निकाल भी उतना ही पाएगा। अब जो जितना जमा कर पाएगा उतनी ही बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था भी होगी, इकोनॉमी भी होगी, तो उसे ज़्यादा पैसे चाहिए भी नहीं होंगे। राइट, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का क्या मतलब है, मैं आपको ये भी थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है दोनों के दोनों मनी लेंडिंग एजेंसी है। ठीक है, वो पैसे देती है किसी भी कंट्री को, है ना। लेकिन आईएमएफ दूसरे केस पे देती है, वर्ल्ड बैंक दूसरे केस पे देती है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को आप लोग कंफ्यूज मत कर लेना कि जब भी आप पैसे मांगने जाओगे वो जो है दे देगी आपको, ऐसा नहीं होता। आईएमएफ देती है उन कंट्रीज़ को पैसे जिनका फाइनेंशियल डिफिसिट हर साल आ रहा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो इंडिया है
पूरे साल का इसका खर्च है कुछ कुछ करोड़ रुपए और इनकम कुछ करोड़ रुपए है, ठीक है। तो देखना हमारा जो खर्च है ना वो हमेशा इनकम से ज़्यादा हो जाता है, मतलब हमारा जो इम्पोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसके केस में क्या हो जाता है ना कि फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। तो किसी भी कंट्री का अगर फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, अगर पूरे साल का जो उसका कमाई है अगर उसके ऊपर असर पड़ रहा है, तो ये क्या करती है, IMF लोन देती है, ठीक है। तो उस केस में IMF लोन देती है, और किसी केस में ये लोन नहीं देती है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का एक्चुअल नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। IBRD का एक छोटा सा हिस्सा है वर्ल्ड बैंक, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो IBRD का जहाँ से नाम से आपको पता ही चल रहा है कि ये जो एक तरीके से डेवलपमेंट बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ उन कामों में पैसे देती है जो कि किसी काम में, जो कि किसी कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने में पैसे का इस्तेमाल हो, राइट। जैसे कि मान लो इंडिया में कोई बड़ा सा ब्रिज बनने वाला है जिससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, तो इंडिया को अगर फ़ायदा होगा तो इंडिया वो सारे पैसे जो है वर्ल्ड बैंक को चुका भी पाएगा। तो वर्ल्ड बैंक उन्हीं सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है और जिससे उनको जो है वापस पैसे मिल सकते हैं, राइट। तो दोनों जो है लोन अलग अलग चीज़ों पर देती है, दोनों एक ही चीज़ों पर लोन नहीं देती है, ठीक है ना। ये तो फिर दोनों अलग अलग होते ही क्यों, राइट। तो ये बात हो गई। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए जो है IMF का निर्माण किया गया, जिसमें सारी कंट्रीज़ ने मिलकर के पैसा लगाया, ठीक है, और एक फंड तैयार किया गया, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर जिसको जो जितना जितना ज़रूरत पड़ता था उसको उतना देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे USA जो है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इसमें, क्योंकि USA सबसे ज़्यादा पैसा इसमें लगाता है। आपको पता है USA की जो इकोनॉमी है बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, तकरीबन 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, राइट। हमारा अभी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बट अमेरिका सोचो, वो ऑलरेडी 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है एट प्रेजेंट, तो सोचो वो इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी, है ना। तो उसका जो है स्टेक सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा पैसे भी लगाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़्यादा पैसे लेता भी है ना। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विद अ व्यू टू रियलाइज हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इनकम, ठीक है। अब देखो बहुत सारी कंट्रीज जो है कम्युनिस्ट नेचर की होती थी या फिर थोड़ा सा कंजर्वेटिव होती थी, वो अपने कंट्रीज़ में जो है दूसरे कंट्रीज़ को आने नहीं देना चाहती थी। लाइक इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, बाहर से सामानें मंगवाते हैं, है ना। अब कोई कंट्री अगर यही चाहे कि हम इंडिया में आकर के ही सामान बनवाएं, तो ये जो है 1991 के पहले पॉसिबल इंडिया में नहीं था, लेकिन 1991 में LPG आया, LPG, इट्स लिबर्टी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसके आने के बाद से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी को खोल दिया गया, जिसमें बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, बाहर की जो कंपनीज़ हैं दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो भी इंडिया में आकर के पैसे लगा सकती थी और अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती थी। फॉर एग्जांपल सैमसंग का ले लो, कोलगेट का ले लो, थम्सअप कोको कोला ले लो, पेप्सी ले लो, ये सारी कंपनीज़ बाहर की हैं, राइट। तो ये इंडिया में आकर के बिजनेस कर सकती थी, तो ये उनके लिए काफ़ी आसान हो गया। और एक तरीके से जब ये कंट्रीज़ सोचो बाहर से आएंगी, ये कंपनीज़ बाहर से आएंगी, तो डेफिनेटली ये प्लांट लगाएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेंगे इंडिया में, तो उनको लेबर कहाँ से मिलेगा, इंडिया से मिलेगा। तो इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कत है वो धीरे धीरे ठीक होगी, है ना। तो इन सब चीज़ों के कारण, इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए कि जो है इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपेंड करेगा, IMF का ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख, अगर किसी भी तरह का डाउट रह जाता है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तीसरा नंबर पूछते हैं तो देखते हैं, तो टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड डिस्करेज कॉम्पिटेटिव डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसीज। अब देखो यहाँ पे एक्सचेंज रेट को यहाँ पे स्टेबल करने की बात भी की जा रही है। अब सबसे पहले जान लो कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखो $1 में आपको कितने रुपये मिलते हैं, तकरीबन 70 रुपये मिल जाते हैं, तो यही हमारा एक्सचेंज रेट है, ठीक है। ये रेट है कि $1 में आपको 70 रुपये मिल रहे हैं। अब देखो, अब ये जो रेट कैलकुलेशन होता है इसका भी तो कोई एक प्रोसीजर होगा ना, कोई एक प्रोसेस होगा जिसके तहत ये जो है रेट का कैलकुलेशन होता है। तो उस कैलकुलेशन को रियलिस्टिक बनाने के लिए, उस कैलकुलेशन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो है उसको लाई जाती है, ताकि किसी का भी जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़े, ताकि इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस कंट्री को दिक्कत हो जाएगी, है ना। उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए जो है आप डिफरेंट डिफरेंट जो है मेजर्स लेते हो, बहुत सारे मेजर्स हैं, मैं आपको कभी और बताऊंगा इसके बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट आप मेजर्स लेते हो जिसको प्रमोट कौन करता है, IMF करता है। IMF चाहता है कि ये चीज़ आप करो, इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे $1 में 1 रुपये हुआ करते थे, ठीक है, 1 रुपी वॉज इक्वल टू $1, बट राइट नाउ इट इज़ 70 रुपीज़ अराउंड, ठीक है ना। $1 में तकरीबन 70 रुपये होते हैं। तो ये क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है, जो डिवैल्यूएशन है, वो हमेशा जो है गिरते रहा है,
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए हम लोगों को स्टेप लेने पड़ेंगे, हम लोग स्टेप ले भी रहे हैं, तो 70 सालों में 70 रुपये हो गया है, ठीक है ना। तो कुछ किया नहीं जा सकता, अगर आप डेवलपमेंट ज़्यादा करना चाहते हो, लोगों की इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो फिर ये चीज़ें तो होनी है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, लेकिन फिलहाल इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो है एक तरीके से एक्सचेंज रेट स्टेबल करने के काफ़ी काम आता है, और जो कॉम्पिटिटिव डिवेल्यूएशन है, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन करने के चक्कर में जो है आप कुछ अनफेयर मीन्स क्लिक कर रहे हो, या फिर कॉम्पिटिशन कर ही नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप जो करेंसी है उसको डिवेल्यूएट कर देते हो, ठीक है। जैसे कि चाइना हमेशा करती है, वो क्या करती है कि हमेशा अपने को सेल ज़्यादा करने के लिए वो जो है अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को गिरा देती है। इसलिए देखना चाइना का जो सामान है वो बहुत सस्ता में बिकता है। चाइना के फ़ोन वोन खरीदने जाओगे विथ कंपैरिजन टू सैमसंग, आपको जो है उसका फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी करेंसी को हमेशा डिवेल्यूएट कर देता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि उनको जो है इम्पोर्ट, उनका जो एक्सपोर्ट है वो बहुत सस्ता हो जाता है। अब अगर एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ आप ही से माल खरीदेंगी, है ना। तो इंडिया हो गया है, फिर जितने भी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, सबके सब जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो सोचते हैं कि चाइना जो है बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट बनाता है, और वो सच में बनाता है, क्योंकि वो अपनी करेंसी को डिवेल्यूएट कर देता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी ना हो, इसको भी ध्यान में रख करके IMF जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया है उसने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना के ऊपर उसका कोई खास कंट्रोल है नहीं, क्योंकि चाइना मन चाहे तरीके से जो है ये सारी चीज़ें करता है। चौथा नंबर पॉइंट है टू डेवलप अ मल्टीलैटरल इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। मल्टीलैटरल है ना, मल्टीलैटरल मतलब जब बहुत सारे लोग मिल करके, बहुत सारी कंट्रीज मिल करके एक पेमेंट सिस्टम तैयार करती हैं, तो उसे मल्टीलैटरल कहते हैं, ठीक है ना। तो बाइलैटरल आपने सुना होगा, जब इंडिया पाकिस्तान से मैच खेलता है या फिर किसी और कंट्री के साथ मैच खेलता है, तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाइलैटरल सीरीज, है ना। इसका मतलब है कि दो कंट्रीज आपस में मिलकर के खेल रही हैं, तो दो कंट्री जब मिलकर के खेलेंगे तो उसे बाइलैटरल कहेंगे, है ना। जब तीन कंट्री मिलकर खेलेंगे तो फिर उसे ट्रायंगुलर सीरीज़ कहेंगे। लेकिन जब सारी कंट्रीज़ मिलकर के, मैक्सिमम तीन से ज़्यादा कंट्रीज़ मिलकर के जब साथ में मिलकर के काम कर रही हैं, तो उसे मल्टीलैटरल कहेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर के इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो है तैयार किया, जिसके तहत जो है IMF काम करता है, और IMF का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि इसको बढ़ावा देना, इसको फैसिलिटेट करना, ठीक है, इसको डेवलप करना। देखो हमेशा डेवलपमेंट की जो है ज़रूरत होती है ना, कोई भी चीज़ हमेशा जो है एक तरीके से नहीं रह सकती, आपको लगातार जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको इम्प्रूव करने का काम जो है IMF का है। पांचवा नंबर पॉइंट है टू एलिमिनेट एक्सचेंज कंट्रोल ओवर करेंसी करेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो देखो एक्सचेंज कंट्रोल जो होता है बहुत सारी कंट्रीज़ का अपने एक्सचेंज के ऊपर होता है, अपने पैसों के ऊपर होता है, राइट। तो उसको एलिमिनेट करना, जो आपकी करेंसी की एक्चुअल वैल्यू है, आप उसी वैल्यू के हिसाब जो है मार्केट में अपने अपना जो है ट्रेड चला सकते हैं, आप अपने करेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। ये IMF का ऑब्जेक्टिव, और IMF इस चीज़ को अच्छे से निभाता है। छठा नंबर पॉइंट है टू असिस्ट मेंबर नेशंस टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट मैल एडजस्टमेंट। देखो जो मैं बात कर रहा था, है ना, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो मैल एडजस्टमेंट होती है उसमें ये हेल्प करता है, जो फिस्कल डिफिसिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको दूर करने का काम जो है IMF का है। IMF उसी चीज़ के लिए जो है लोन देती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू द डिफरेंट करेंसीज कंट्रीज़ जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत है। सातवां नंबर पॉइंट है टू रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड द सेवेरिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये देखो डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दो चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं उसे हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है चीज़ें को दूसरी कंट्री से मंगवाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपनी चीज़ों को दूसरी कंट्रीज़ में भेजना, ठीक है। तो जब दूसरी कंट्री में आप भेजोगे तो आपको इनकम होगा, है ना, और जब आप दूसरी कंट्री से इंडिया में पैसे मंगाओगे तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो जब भी एक्सपेंडिचर मतलब आपका खर्च जब भी इनकम से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फिस्कल इनकम। अगर खर्च से ज़्यादा होगा तो वो फिस्कल प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर इनकम अगर फिस्कल इनकम अगर एक्सपेंडिचर से कम होगा, ठीक है ना, तो फिर वो फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। तो डेफिसिट के केस में ही तो ये पैसे देती है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम होता है, मतलब ये जो बराबर नहीं होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर बराबर नहीं होगा, राइट, तो फिस्कल डेफिसिट होगा। तो ये दोनों बराबर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बराबर होता है तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, बट यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, मतलब बराबर नहीं है, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए, डिसइक्विलिब्रियम को दूर करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए जो है IMF जो है काम करती है और लोन देती है, ताकि आप जो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको आप दूर कर सको, ठीक है।
तो ये सातों का सातों ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।